कि लाइफ को इन लोग एकदम बर्बाद कर रही है सर, एकदम खत्म कर दिया मेरे बच्चे की लाइफ को इन लोग ने सर। हम लोग किधर भी ले जा सकते, वो मेरा बच्चा एक दिन तो फांसी का फंदा लेने के लिए। मुंबई पुलिस से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। यह घटना मुंबई के जोगेश्वरी पश्चिम अंबोली पुलिस स्टेशन की है। यहाँ रहने वाले मोहम्मद असीम शेख ने बताया कि उनका झगड़ा एक परिवार के साथ हुआ था। अंबोली पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों परिवार पर धाराएं लगाई, मामला कोर्ट में चला गया। लेकिन मोहम्मद असीम शेख ने कहा कि जब मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की तो उस समय उसने एक पक्ष का ख्याल रखते हुए हमारे सारे परिवार के ऊपर कई धाराएं लगाई, जिसमें अंबोली पुलिस ने परिवार के उन लोगों को भी मुकदमे में शामिल किया जो इस झगड़े में नहीं थे, साथ ही उन लोगों को भी शामिल किया जो नाबालिग थे। मोहम्मद असीम शेख ने बताया कि उनका बेटा जो नाबालिग है, झगड़े के वक्त वह वहां पर नहीं था। पुलिस ने उसका नाम भी केस में दर्ज करा दिया, जिसकी वजह से उसका स्कूल और ट्यूशन दोनों छूट गया। यहां तक कि स्कूल वालों ने भी उसे अपराधी छवि का बताकर स्कूल से निकाल दिया। मामला कोर्ट में जाने के बाद जब जज ने इस बात को देखा और नाबालिग पर कार्रवाई कैसे हुई इसका जवाब जब अंबोली पुलिस से मांगा, तब पुलिस वालों को पता चला कि हमने कार्रवाई करते हुए नाबालिग का भी नाम लिख दिया था। मोहम्मद असीम शेख बताते हैं कि पुलिस वालों को जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपनी गलती मानी और कार्रवाई बच्चे पर नहीं होगी ऐसा आश्वासन दिया। लेकिन आज भी वह बच्चा पुलिस स्टेशन पर अपनी डायरी लेकर हाजिरी देने जाता है, जहां पर उसे घंटों इंतजार करवाया जाता है, साथ ही उसे प्रताड़ित नहीं किया जाता। इसकी जानकारी मोहम्मद आसिफ शेख कई बड़े अधिकारी को दे चुके हैं। मोहम्मद आसिम शेख का कहना है कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर एक पक्ष का ही ध्यान देती है, झगड़े के दूसरे पक्ष को सारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन उनको और उनके परिवार को बहुत परेशान किया गया है, जबकि नुकसान भी उनका काफी हुआ है, साथ ही उनके बच्चों का जीवन अंबोली पुलिस के गलतियों से खराब हो गया है। सर, मेरा नाम मोहम्मद आसिम शेख है। ये 21 तारीख सितंबर महीना 2019 की बात है सर। मैंने मोहम्मद के खिलाफ अंबोली पुलिस स्टेशन में जाके एफ आई आर दर्ज करवाया था पास्को की। उसके बाद में इन लोग ने मेरे ऊपर 5 दिन के बाद में 26 तारीख सितंबर महीना 2019 को इन लोग ने मेरे ऊपर एफ आई आर बनाया, मेरी फैमिली के ऊपर क्रॉस केस बनाया, झूठा केस। उसके बाद में केस तो बना दिए सर, हम पे बनाए, मेरे वाइफ पे बनाए, मेरे तीनों बच्चे पे बनाए सर, मेरे बच्चे के ऊपर, छोटे बच्चे पे, 12 साल के बच्चे का भी नाम डाल दिए, और इनको पता भी नहीं कि 12 साल का लड़का डाल दिया, क्रिमिनल कोर्ट में इन लोग ने डाले सेशन को। सेशन कोर्ट के अंदर जब जज ने जब देखा तो उन लोग ने फटकार लगाया, तो इन लोग को मालूम पड़ा कि हम लोग ने 12 साल का डाले सर। 10 महीने से सर मेरा बच्चा स्कूल नहीं गया है, उसको स्कूल से निकाल दिए सर। और देखिए, ये देखिए उसका नाम, देखिए एफ आई आर में डाले, क्रिमिनल केस में उसको डाल दिए। और ये देखिए सर, हफ्ते हफ्ते में इसको इन हाजिरी देने के लिए क्रिमिनल साथी क्रिमिनल बना दिए, उसको गुंडा बना दिए। 12 साल का लड़का है, वो एकदम मानसिक तनाव के अंदर आ गया है वो सर, वो कुछ भी अपने आप को कर सकता है। मैं ये पुलिस वाले को बोलता हूँ कि पुलिस वाले मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करते कि मेरे बच्चा 12 साल का बेकसूर है। उनको दिखाया आपने, बताया उनको? सब बताया सर, सब बताया, बाकी वो देखने के लिए तैयार नहीं है। 12 साल का लड़का है तो बोलते 12 साल का लड़का है तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। मैं बोला इसके ऊपर जुडिशियल लगता है, इसके तो तुम जुडिशियल में जाओ। बोले नहीं, हम तो इसको ना पहुंचा के रह गए ऊपर तक सर। ऐसी ऐसी सर, देखो ये डायरी देखो सर, ये बच्चा है मेरा, इसकी उम्र है, स्कूल जाने की उम्र है, उसकी किताब लेके आज ये डायरी लेके सर वो पुलिस स्टेशन में जाता है हाजिरी देने के लिए, उसको स्कूल में जाना चाहिए था सर। क्या सर, ऐसी ऐसी बात करते हैं कि अगर तुम लोग अगर इसके खिलाफ अगर कोई ऊपर गए तो हम लोग तीसरा केस बना के तुमको उसके अंदर तड़ी पार में खड़ा करेंगे सर। सामने वाली पार्टी पे 5-5 है, उनको कोई एक्शन नहीं, सिर्फ पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, सिर्फ हमको ही दबाने की कोशिश कर रही है। हमारे पास में पूरा एविडेंस है सर। कौन सी पुलिस स्टेशन? अंबोली पुलिस स्टेशन में, अंबोली पुलिस स्टेशन वाले। सीनियर से कभी बात हुई आपके, उच्च आयोग से कोई बात? सीनियर से बात हुई थी, वो सीनियर चेंज हो गए, अभी ट्रांसफर हो गए, अभी दूसरे सीनियर ने बोले कि हाँ हम तुमको हेल्प करेंगे। स्कूल नोटिस इसको 2 बार स्कूल से, जब से इसके ऊपर एफ आई आर बना है ना सर, जब से ये स्कूल पे नहीं जा रहा है, क्योंकि इसको एफ आई आर में वांटेड दिखाया है इन लोगों ने, मेरे बच्चे को, एक जो नाबालिग बच्चा है उसको एफ आई आर दिखा रहे, अभी तक इन लोगों को पता नहीं चला कि वो नाबालिग है करके। अभी भी जब चौकी में इन लोगों को मालूम पड़ा कि नाबालिग है तो बोलते गलती हो गई, गलती हो गई, फिर भी सर देखो हाजिरी ले रहे। देखो आप, देखो ये लॉकडाउन से पहले एक बच्चा हाजिरी भर रहा है, हाई डिप्रेशन में आ गया मेरा बच्चा। अभी देखो ये लास्ट हम लोग ने दिए थे, ये 2-3 दिन पहले हम लोग ने हाजिरी लगा। ऐसी ऐसी गंदी गंदी इसको टॉर्चर किया जाता है सर बोल के।
ऐसा बहुत बहुत टॉर्चर हम लोग को ये अम्बुली पुलिस स्टेशन कर रही है। और मेरे बच्चा है ना सर, हाई डिप्रेशन के अंदर है सर, वो कभी कुछ कर लेगा कोई पता नहीं। इसके लिए मैं एडिशनल से भी सर हम लोग ने लिखित में शिकायत दी है कि आप हमारी हेल्प करो करके। कोर्ट को भी मालूम है, कोर्ट का भी जजमेंट है कि कोर्ट में भी बोला है सेशन कोर्ट के अंदर के ये तुम लोग ने 12 साल लड़के को केदर कैसा डाल दिए तुम लोग ने। तो अब इन लोग को आए, इन लोग को गलती हुई है, बाकी गलती को सुधारे नहीं है। अम्बुली पुलिस स्टेशन में आगे इसका हाजिरी चालू कर दिए 354। वो बच्चा किसी को छेड़ सकता है, जो 35 साल की औरत है बोलते इसको तूने छेड़ा बोलते, वो केस में इसको डाल दिए सर। और अभी भी वो केस का कोई सुधार नहीं हो रहा है। जिधर है अटका मेरा बच्चा, हाजिरी भी हाजिरी जा रहा है, ना स्कूल जा रहा है ना ट्यूशन जा रहा है सर। उसकी लाइफ को इन लोग ने एकदम बर्बाद कर दी है सर, एकदम खत्म कर दिया मेरे बच्चे की लाइफ को इन लोग ने सर। हम लोग किधर भी ले जा सकते, वो मेरा बच्चा एक दिन तो फांसी का फंदा लेने के लिए, वो तो 24 घंटे उसके ऊपर हम लोग नजर रखना पड़ता है सर। ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे पुलिस वाले, और संडे को बुला के बोलते चर्बी आ ली क्या, तेरी चर्बी निकालना पड़ेगा, एक केस और डालना पड़ेगा सर। इतना दो लोगों ने बर्बाद हो गए हम लोग, और हम लोग को बर्बाद कर रहे हैं लोग सर। तो आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ की प्रशासन से, यहाँ की सरकार से क्या कहना? मैं सिर्फ सर यही देखता हूँ कि सर हमको न्याय मिलना चाहिए, हमारे साथ में इंसाफ होना चाहिए। पुलिस की एक तरफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पुलिस दोनों तरफ कार्रवाई देखे दोनों को कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। हम लोग ये चाहते बस, और कुछ नहीं चाहते, कि दूध का दूध पानी का पानी हो। जो झूठा है अभी आप खुद ही देख रहे हो, 12 साल के लड़के को इन लोग ने केस में ढकले, उसका क्या कसूर, जो ट्यूशन के अंदर था वो ट्यूशन के अंदर था, उसको वांटेड दिखाए 4 महीने तक उसको वांटेड दिखाए। जब हम लोग ने सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन डाले, जब पुलिस वाले को पता चला, केस डाले मेरे वाइफ पे केस डाले सर, उससे हमको कोई नहीं, वो तो कोर्ट देख रहा है, कोर्ट के अंदर फैसला आएगा सर, हमको कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है। बाकी ये पुलिस का जो रवैया है ना सर, ये एकदम गलत रवैया है सर। कोई मासूम बच्चे पे FIR बनाता है क्रिमिनल केस की, क्रिमिनल केस में डाल दिए उसको, सेशन कोर्ट में डाल दिए, देखो सातिर अपराध बना दिए। देखो इसका आप फोटो देखो, सातिर अपराध लिखे हैं, देखो 354, 523, 504, ये सब इसके ऊपर धारा डाले हैं। अभी वो कितनी धारा डाल दी इतनी, अरेस्ट भी हुआ था इनको? नहीं, अरेस्ट नहीं किया, तो क्योंकि हम लोग ने एंटीसेप्टिक बेल ले लिए, क्योंकि छोटा बच्चा कहाँ से जाएगा उसको अंदर करेगा, हम लोग ने सब एंटीसेप्टिक बेल लिए। और आज भी सर, आज भी हमको पुलिस स्टेशन के रोन मारना पड़ रहा है, और पुलिस पूरी तरीके से हम लोग को, हम लोग के ये हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रही है, और ना ही हमारी सुन रही है।